ओके बच्चों, एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट सम एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो ये फॉर्मूला होते हैं जो हम ऑलरेडी डिराइव किए थे, म्यू नॉट आई 4πx ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, बीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट, ठीक है। तो इससे एक का दुख का क्वेश्चन बन सकता है, मान के चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि करंट I चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे, और स्क्वायर का लेंथ है मानो L, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, वी हैव टू कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो वायर है ना, इस वायर की वजह से ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, अगर आप राइट हैंड थंब, ये थंब मैक्सवेल्स थंब रूल अगर लगाओ तो, जैसे देखो करंट थंब अगर करंट का डायरेक्शन बताते हैं तो कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। अगर वायर ऐसा है ई वाली सेगमेंट के लिए, तब भी करंट क्या होगा और तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो आपका जो चारों सेगमेंट है ना, चारों सेगमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनाया, और फिगर का थोड़ा सिमेट्री देख के पता चलेगा कब ये वायर की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके वजह से भी इतना ही होगा, क्योंकि लेंथ सेम है, करंट सेम है, सब कुछ तो सेम ही है, तो इसलिए आपको ना करना क्या है, सुनो, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज नथिंग बट 4 times द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन सेगमेंट, ये सेगमेंट मानो या कोई भी एक सेगमेंट ये ले लो, तो अब आप फॉर द टाइमिंग बाकी सबको भूल ही जाओ, ये सब मानो है ही नहीं, ठीक है। आपको करना क्या है बेटा, खाली ये वायर, ये सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है, पॉइंट यहाँ है तो डिस्टेंस कितना होगा, एक्स का वैल्यू एल बाई टू, टोटल एल था एल बाई टू, 4 म्यू नॉट आई, आई इज द करेंट बाय 4π एल बाई टू, एक्स की जगह क्या हो जाएगा एल बाई टू, ब्रैकेट साइन अल्फा कौन सा एंगल होगा, ये एंगल, और ये एंगल तो 45 डिग्री होगा ना, ये एंगल इट इज 45, तो ये भी अपने आप 45 ही होगा बिकॉज ये 90 डिग्री, इनफैक्ट बीटा भी 45 होगा, अल्फा बीटा दोनों ही क्या होगा 45 डिग्री, तो अल्टीमेटली क्या होगा 4 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 म्यू नॉट आई बाय पाई एल, अब साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, तो मतलब 2 बाई रूट 2, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई एल, ठीक है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड व्हिच इज इनवर्ड ना, आपका करंट ऐसा था क्लॉकवाइज था, तो एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, इनवर्ड, इनवर्ड को आप क्रॉस देके दिखाते हो, अगर आउटवर्ड होता तो डॉट, ठीक है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो तब आउटवर्ड होता हो जाता, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ये आपका आंसर हो गया। आप और एक दूसरा प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मान के चलो इसी कॉन्सेप्ट का ऊपर आएगा, इसी फॉर्मूला का ऊपर, ठीक है, जैसे मान के चलो आपको बोला गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है लेंथ एल का, ठीक है, और करंट मानो आई चल रहा है, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अगर पूछे, तो यहाँ पे भी वही बात होगा, इस सेगमेंट की वजह से इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस सेगमेंट की वजह से भी इनवर्ड ही होगा और इस सेगमेंट की वजह से भी इनवर्ड ही होगा, आप अगर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, यहाँ पे करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तीनों के लिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 3 times ऑफ B1, तो मतलब आपको बाकी 2 सेगमेंट आप भूल ही जाओ, एक के लिए जो निकलेगा ना उसका 3 times कर देना। अब बात यह है, इसका फॉर्मूला तो यही था,
3 times mu naught. Current to I hai 4 pi. ये length कितना होगा, x कितना होगा, आप देखो x ये है, यहाँ से यहाँ तक distance, ये आपको थोड़ा सा मेहनत करके निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये equilateral triangle ना, तो ये आपका centroid हो गया है, और हमें पता है, ये median को आपको कितना ratio में बांटते हैं, 1:2 ratio पे बांटते हैं, ठीक है, हमेशा, अब ये आपका l है, l length ये आपका 30 डिग्री होगा ना बेटा, ये एंगल, क्योंकि टोटल एंगल 60 था, ये जब L है, ये जब 30 डिग्री है, तो ये L cos 30 होगा ना, कितना होगा, L cos 30, L cos 30 कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, अब उसका 1/3 होगा X, उस पूरे लेंथ का 1/3 ये लेंथ होगा ना, और 2/3 ये लेंथ होगा, तो x is nothing but 1/3 of the pura length, और pura length क्या होगा, l cos 30, तो आप देखो l cos 30 का value √3/2 into 1/3 equal to x, तो यहाँ पे x equal to क्या आएगा, l by 2√3, ठीक है, तो यहाँ पे आपका x का value क्या डालना पड़ेगा, l divided by 2√3, तो इसको आप 2√3 को ऊपर लिखो, then bracket, bracket में क्या आते हैं, sin alpha plus sin beta, अब alpha क्या होगा, alpha होगा ये angle ना बेटा, और beta होगा ये angle, और आप ध्यान से देखो, ये equilateral triangle है, तो ये 30 degree है, ये 90 था, ये तो 60 आएगा, तो ये भी क्या होगा, 60, और sin 60 √3/2, sin 60 √3/2, तो √3/2, मतलब √3, ये टोटल कितना आ जाएगा, √3/2 प्लस √3/2, ये sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू, तो आप थोड़ा सा अभी इसको कर सकते हो, 2 से ये 4 काटेगा तो 2 रहेगा ना, ऊपर में 3 mu not, सॉरी 3 √3 mu not i, 2 से इसको काट दिया तो 2 pi l, और ये आ जाएगा √3/2 तो √3 आ गया, तो कुल मिला के आपका आंसर कितना आ जाएगा, √3 is a 9, तो 9 mu not i by 2 pi l is the answer, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।